न्यू वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे के चैप्टर नंबर को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम को कवर करने की मैक्सिमम हद तक कोशिश करेंगे चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो बताया गया है वो ये बताया गया कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो एक्सप्रेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड्स होते कौन, क्या क्या है डी एन आर एन साइडो न्यूक् एसड एन राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनका जनरल फार्मूला अगर आपको बताया जाए फॉस्फ्राइड बेस एंड राइबोज यानी फॉस्फाइट ग्रुप होता है बेस होती है कोई नाइट्रोजन बेस होती है जो कि प्योरी एंड पैरामेडीन होती है और राइबोज यानी कोई शुगर होती है अगर राइबोज है तो आर होगी डी ओफसी है तो डी होगी तो ये जनरल फार्मूला हमारे पास है न्यूक्लिक एसड्स का ये हमारे पास दरअसल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज करते हैं और इंपॉर्टेंट फर्क जो प्रोकैरियोट्स एंड यू के दरमिया होता है वो इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता न्यूक्ई की जगह एक नॉन क्रोमोसोमल डी प्रेजेंट होता है सॉरी um, न्यूक्ई की जगह एक रीजन होता है उसे कहते हैं नुक्लियाग। जो न्यूक्लियाइड होता है ना क्रोमैटिन डेंस एरिया होता है साइटोप्लाजम के अंदर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मॉडल नहीं होता बल्कि वहां पर क्रोमैटन का स्ट्रक्चर uh, होता है uh, साइटोप्लाज्म के अंदर उसे ही उस रीजन को न्यूक्इड कहते हैं तो वहां पर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए एन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होता है वो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है तो ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए की लोकेशन के अंदर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ नॉन क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है यानी न्यूक्लियस के बाहर कुछ डीएनए प्रेजेंट होता है प्लाजमिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाजमिट जो होते हैं वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं नेक्स्ट एक्सीडिंग चैप्टर्स के अंदर आपको पता चलेगा कि जो प्लाजमिट्स होते हैं इनको किस तरह से हम वेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया वगैरह के अंदर उसके बाद जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात है जेनेटिक इफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो होती है हमारे पास प्रोसेसर्स उन मिलकर जो है वो जेनेटिक एक्सप्रेशन उसको हम प्रोसेस को कहते हैं अगर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को देखा जाए उसके बाद सेंट्रल डॉगम की थ्योरी बताई गई इस पैराग्राफ में जो है कि अगर इन्फॉर्मेशन डी एन ए से आर एन ए में जाती है आर ए से प्रोटीन में ट्रांसफर होती है पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके बाद ट्रांसलेशन हो रही होती है तो इस थ्योरी को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं इनफॉर्मेशन का जो फ्लो है इसको सेंट्रल डॉगमा का नाम दिया जाता है फिर इंट्रो हम अपने मेन टॉपिक डीएनए स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जो कि बताते हैं जो डीएनए है पॉलीमर होता है डोक्सी राइबो न्यूक्लिसड का नाम से जाहिर है डियोक्सर एबोज का मतलब होता है शुगर न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि अगर हम न्यूक्लोटाइड का मैंने आपको फार्मूला भी बताया कि नाइट्रोजनस बेस फॉसफेड और शुगर चीज़ें होती हैं ठीक है ये तीन चीज़ें होती हैं अगर हम फॉस्फेट को निकाल देंगे तो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे और न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो राइबो एबोन्यूक्लोस मोनोफॉस्फेट का मरा देखिए इसके अंदर शुगर है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है और वो बन गया है राइबो न्यूक्लिक एसिड और आपस में जो ये मोनो फॉस्फेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये के जरिए जो है वो अटैच होते हैं कोवनेटली लिंक्ड होते हैं अब इसका स्ट्रक्चर डीएनए का आपको डिटेल में बताती हूँ डीएनए के स्ट्रक्चर को नॉर्मली देखें ये देखें ये शुगर मॉलिक्यूल है राइबोस बेस है नाइट्रोजनस बेस प्योरिन भी हो सकती है जिसमें आती है पारमेडीन भी हो सकती है ठीक है और ये हमारे पास जो है कार्बन नंबर फाइव के साथ अब आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर फाइव के साथ ग्रुप अटैच है, है ये सी फाइव टर्मिनल हम इसे गिद्दे हैं और अगर मैं कहूँ कहीं भी मैं बात करूं कि फाइव टर्मिनल तो सी फाइव पे ग्रुप की बात हो रही होगी अगर थर्ड टर्मिनल की बात करूँ तो इस वाले कार्बन की बात हो रही तो ये फाइव टर्मिनल होता है ये थर्ड टर्मिनल होता है अब हम इसको देखते हैं स्ट्रक्चर को ये देखें यहाँ पर इस तरह से ग्रुप आपस में अटैच है के थ्री कोमोनेटली लिंक्ड है एक का फॉसफेड ग्रुप का एक का फोस्फाइट ग्रुप का जो ओ एच ग्रुप है वो दूसरे के कार्बन थर्ड कार्बन पे मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप से जाके अटैच हो गया मतलब क्या ये एक राइबोन्यूक्लियोसाइड ये दूसरा होगा मिसाल के तौर तो पर दूसरा है ठीक है या इसके प्रेजेंट है कार्बन नंबर फाइव पे फॉस्फेट और इसका ओ एच ग्रुप होगा इसका फॉस्फेट के ऊपर ओएच ग्रुप होगा और ये थर्ड कार्बन पे ओ एच ग्रुप है तो ये दोनों आपस में फोस्फोडाइस्ट्रा लिंकेजेस बनाएंगे जिस तरह से मिसाल के तौर पर ये है ये फॉस्फेट का ओ एच ग्रुप मैंने कहना है इसी तरह नेक्स्ट का हमारे पास थर्ड कार्बन पे ओ एच ग्रुप होगा तो ये दोनों आपस में मिला, बनाएंगे बॉन्ड और ये फिर बीच में फॉस्फेट होगा और भी कार्बन होगा मतलब इस तरह से अटैचमेंट होगी फिर एक का सी थ्री होगा एक का सी फाइव होगा उस, उन दोनों के दरमियान पी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा ठीक है इस तरह से बॉन्डिंग जैसे यहाँ पे शो की गई है ये देखें यहाँ पर दो आ, और, अटैच ये बीच में फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप बीच में सी फाइव और सी थ्री ग्रुप को जोड़ा है इसका सी फाइव ग्रुप अटैच है इसका सी थ्री ग्रुप अटैच है तब ये इसका फ्री थर्ड एंड है ये इसका फ्री फाइव एंड है जो कि कार्बन नंबर फाइव पे फॉस्फेट ग्रुप होता है वो वाला शो किया गया है तो इस तरह से ये कोवलेंट लिंकेजेस होते हैं लेकिन इनकी बेसिस देखें यहाँ पर बेस भी तो अटैच होती है देखें बेस भी तो अटैच होती है तो बेसिस जो है ना वो बीच में आ गई हैं अंदर की साइड पर आ गई हैं बेसिस आपस में इंटरेक्ट करती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जबकि ये जो है बीच में ये बैकबोन बन रही है इसको कहते हैं डिओक्सी राइबोस बैकबोन ये बैकबोन होती है जबकि बेसिस आपस में कर करनी होती है हाइड्रोजन बोन्स के थ्रू यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि फोस्राइट्रोड जो बोन बना है वो एक डियोक्सी पेंटोज यानी शुगर का एक थर्ड हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी शुगर के कार्बन नंबर थ्री पर हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है उसके दरमान और दूसरी जो शुगर है उसके कार्बन नंबर फाइव पर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी फॉस्फेड पर प्रेजेंट होता है डायरेक्टली वो हाइड्रोक्सल ग्रुप तो वो हमारे पास दोनों आपस में जुड़ेंगे फोस्फॉर ग्रुप की मदद से ठीक है इस तरह से देखें यहाँ पर भी शो किया गया ये कार्बन नंबर फाइव है इसके साथ फोसाइड ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर थ्री है इसके साथ हाइड्रोसर ग्रुप अटैच होगा इस फोस्ट का हाइड्रोसर ग्रुप इस इस तो इस और इसका हाइड्रोक्सर ग्रुप आपस में इंट्रेट करेंगे फोसो डाइस्ट्रो बोन बने तो इस तरह से सी फाइव और सी थ्री आपस में फोस्फाइड ग्रुप के थ्रू अटैच हो जाएंगे और ये बन जाएगा थ्री फाइव फोसफोडाइस्टर लिंकेज उसके बाद जो इनकी बेसिस होती है वो अंदर की साइड पर हाइड्रोजन बोन से अटैच होती है जिस तरह यहाँ पर शो किया गया है बेसिस आपस में हाइड्रोजन बोन के थ्रू अटैच और मेन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए जो होते हैं बेसिस के हाइड्रोजन बोन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप खुद सोचें मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा ये है तो ये तो हमारे पास एक स्टैंड है ये फोसफेडास्ट्रोल जिसके थ्रू जुड़ा हुआ है डीओसी राइबोसकोसफेड बैकबोन से जबकि दूसरे स्टैंड के साथ अगर हमने इसको अटैच करना है तो इस तरह से अटैच होगा और ये बीच में ये दो स्टैंड आपस में किससे अटैच होंगे मेन जो फोर्स होगी वो होगी हाइड्रोजन मोड ठीक है हाइड्रोजन मोड जो कि बेसिस के दरियान होंगे ये हाइड्रोजन मोड होंगे वो हमारे पास मेन फोर्स होंगी जो इन दोनों डबल हेलिक्स को आपस में जोड़ के रखी होंगी जो इस तरह से ये इसके बारे में बात थी उसके बाद बेसिस को जब भी गिनते हैं फाइव से थ्री एंड में गिनते हैं इंपॉर्टेंट बात की हुई है यहाँ पे कि मिसाल के तौर पर थाइमिन गिन है तो फाइव से थ्री हैंड फाइव एंड है और ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेकिन थर्ड एंड है ये थाइमिन टी ए सी जी इस तरह से लिखेंगे इसको टी ए सी जी फाइव से थर्ड एंड में देखेंगे थर्ड से फाइव में नहीं करना मतलब ग्वानी से थाइमिन में नहीं करेंगे थाइमिन से ग्वानी में करेंगे ये वाली बात हो गई उसके बाद आते हैं डबल एल एक्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि के एंटीपेरलिफाइ अच्छा हाइड्रोफोबिक अभी मैंने बताया कि जो फॉस्फेट बैकबोन होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है वो आउटसाइड पर होती है जबकि जो, जो बेसिस होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है यानी जो बेसिस नहीं ए टी एडीन थाइमिन हाइड्रोजिन गिन ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक और ये अंदर के साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन मोर्ड के थ्रू अटैच है हाइड्रोफोबिक है और ये सारा स्ट्रक्चर ट्विस्टेड लेडर के तौर पर के तौर पर हमें दिख रहा होता है एक का माने ग्रुप होता है एक मेजर ग्रुप जब इनका ट्विस्ट टर्न लेती है ना तो कहीं पर माना ग्रुप आ रहा होता है कहीं भी मेजर ग्रुप आ रहा होता है और यही बात हो गई दूसरा ये कि जब ये ये बीच में हम एक परपेंडिकुलर हेलिकल एक्सेस को मान लेते हैं ये हेलीक एक्सेस होती है ना ये बेसिस का जो हमारे पास प्लेन होता है ये हेलिकल एक्सेस के क्या होता है पर, बेस पे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं हेलिकल एक्सेसिस का ये लिखा हुआ भी है कि बेस पे आपस में तो परपेंडिकुलर पर होते हैं ये इंपॉर्टेंट बात दूसरी ये कि जो बेसिस होती है थाइमिन के दाम तो डबल बोड होता है साइटोसिन साइडोसिंग के दवा ट्रिपल बोन है ए जो है थाइमिन के साथ रेड के साथ ही बोड बनाती है और साइटोसिन से सिंगनिंग के साथ ही बोन्ड बनाती है ठीक है और अमाउंट अगर चरगाह फूल हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये कि जितनी अडिनीन होती है उतनी ही थाइमीन होती है, 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 है। साथ साथ जितनी होती है उतनी ही साइटोसिन होती है अमाउंट ऑफ थाइमी एडीन के इक्वल है अमाउंट ऑफ गोनिन साइटोसिन के इक्वल है लेकिन साथ ही साथ जितनी प्योरस होती हैं उतनी पारमेडीन्स होती हैं प्यरिन क्या होती है एडीन गोनिन होती हैं ये देखिए अब एक कह रहा है जितनी प्यूंस की होती है एडीन गोनिन तो क्या होती है थाइमिन साइटोसिन होती है तो अमाउंट ऑफ प्योरिन अमाउंट ऑफ पारमेडीस के इक्वल होती है वाली बात और दूसरा ये हाइड्रोजन अमांउंस होते हैं ये मेन फोर्स होते हैं डबल हेलिक्स को

हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब हाइड्रोजन हाइड्रोजोन को डिस्टर्ब करने के लिए हमारे पास या तो पी एच की उसको अल्टर कर दें ताकि न्यूक्लियोटाइड बेसिस आयनाइज हो आइसोजन जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड मोन बनाए या फिर सोल्यूशन हीट भी कर सकते हैं एक इंपॉर्टेंट बात यह पता होना चाहिए कि जो लिंकेजेस होते हैं उनको आपस में हाइड्रोलाइज करने के लिए ना हम न्यूक्ले डिओसी राइबो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोवन फोस्ोडाइस लिंकेजेस को हम तोड़ सकते हैं राइबो निकलेस राइबो न्यूक्लेस लेकिन हाइड्रोलिकली भी केमिकल से भी तोड़ सकते हैं लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको तोड़ने के लिए या तो पी एच ओर सोल्यून को अल्टर चेंज कर देंगे या फिर हम जो है वो सोल्यूशन को हीट कर देंगे लेकिन कोवरिन फोस्को डाइस्टरबोन को इस ट्रीटमेंट से कोई असर नहीं होगा जब डीएनए को हीट करेंगे तो वो टेम्परेचर इस पर हाफ ऑफ दी हेलिकल स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है खत्म हो जाता है मतलब वो हेलिकल स्ट्रक्चर अब हाफ जो है वो खत्म हो जाता है तो उसको मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं इस प्रोसेस को हम डी भी कहते हैं और इस इस हम डी की री भी कर सकते हैं यानी जो डबल हेलिक्स लॉस्ट हुआ है उसको वापस भी डबल हेलिक्स बना सकते हैं उसको री प्रोसेस भी कहते हैं मुख्य तरीक़ों से उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कि री फॉर्म डबल हेलिक्स और डी एनिंग प्रोसेस को कहते हैं दूसरा डीएनए जिसके अंदर ए की कलस्ट्रेशन ज्यादा होती है वो कम टेमपरेचर पर डीनेचर होता है क्योंकि इन दो के दर में डबल फूड होता है जबकि इन दो के दर में ट्रिपल फूड होता है तो इसको डीनेचर करने में थोड़ा टाइम लगेगा जबकि ये थोड़े लो टेम्परेचर पर डीचर हो जाते हैं उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्म्स हैं डी की जो कि बी फॉर्म ए फॉर्म और जी फॉर्म होती है जो बी फॉर्म होती है वो वही होती है जैसे अरविंद चरगाफ ने बताई थी कि राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं राइट हैंड है हैं मतलब जो हेलिक्स का टर्न होता है ना वो राइट साइड पर होता है और एक टर्न में तकरीबन टेन बेस पेयर्स होते हैं मतलब अगर हम इस तरह से देखें तो ये बेस पेयर्स बन रहे हैं ना एक टर्न है ये एक टर्न के अंदर तकरीबन टेन बेस पेयर्स यहाँ पे फोर दिखाएंगे लेकिन टेन बेस पेयर फाइव बेस पेयर्स होते हैं और यहाँ पे फोर दिखाएंगे बेस पेयर्स लेकिन होते कितने टेन होते हैं सॉरी फाइव नहीं कहना टेन होते हैं ठीक है टेन बेस पेयर्स होते हैं जो प्लेन होता है वही परपेंडिकुलर होता है हेलिकल एक्सिस के जैसे जैसा अभी बताया कि परपेंडिकुलर होता है हेली और क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर मेनली जो फॉर्म पाई जाती है वो बी डीएनए की फॉर्म ही होती है अब ए फॉर्म का अगर पड़े तो अगर हम बी फॉर्म को डिहाइड्रेट करेंगे तो ए फॉर्म बनेगी ये भी राइट हैंड हेलिक्स होती है इसके अंदर इलेवन बेस पेयर्स होते हैं और इसका प्लेन जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द हली नहीं होता बल्कि ट्वेंटी डिग्री अवे फ्रॉम जी परपेंडिकुलर होता है ये ये वाली फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होती है ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड के अंदर जहां पे मिसाल के तौर पर डीएनए आरएनए के साथ पेयर हो रहा होगा वहाँ पर ए फॉर्म डीएनए की देखने को मिलेगी और जो जी फॉर्म होती है वो लेफ्ट हैंड हेलिक्स होती है इसके अंदर ट्वेल्व बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होती है डी के ऊपर कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं जिसको प्रोमोटर वगैरह कहते हैं या फिर पॉलीजीसी कुछ टेल्स वगैरह का सीक्वेंस होता है पॉलीजीसी टेल होती है डी की तो वहाँ पर अगर देखेंगे ना स्ट्रेचेज ऑफ सी डी एन ए प्रजेंट होंगे जो कि लेफ्ट लेफ्टन हेलिक्स होगा ट्वेल्व होंगे तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स बताई गई हैं और ये बताया गया कि कौन सी फॉर्म कहाँ पर प्रेजेंट होती है मेनली नॉर्मल सी बात बताई की यहाँ पे कि जो अभी बताया मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूकैरियोटिक यूक्रेटिक न्यूक्लियस के अंदर जो लॉन्ग डीनियर मालिक्यूल डबल स्टैंड डीएनए प्रेजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड जबकि जो यूकैरियोट्स के अंदर उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डी होता है जो कि होता है क्लोज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड मॉलिकूल प्लांट क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है यही डी एन एक्सैक्ट लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर तो सारे ज्यादा क्लोरोप्लास नहीं होता उसके बाद प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि इसकी जगह न्यूक्लियोइड रीजन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्डन डीएनए मालिकूल ठीक है यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड क्लोज्ड था और सर्कुलर था ये सिंगल सर्कुलर है डबल स्टैंडर्ड डी एन ए मॉल एक ठीक है ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद सर्कुलर डी एन जो होता है सुपर कॉइल डबल अभी मैं सुपर कॉइलिंग कॉइनिंग बताऊँगी आगे जाके आपको पता चलेगा कि सुपर कॉइलिंग क्या होती है और उसको रिमूव कैसे करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट दी पार्ट वन वीडियो पार्ट टू वीडियो में हम स्टेप्स पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक डी रेप्लिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट आपका असल टॉपिक जो है वो आगे से स्टार्ट होगा